हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। बायोलॉजी पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लोनिंग क्या है। तो आपको ये बताना चाहूंगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अधिकांश क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोनिंग क्या है और क्लोनिंग कितने प्रकार के होते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्लोनिंग क्या है और क्लोनिंग कितने प्रकार के होते हैं और क्लोनिंग से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि जब तक आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आपको क्लोनिंग क्या है और क्लोनिंग कितने प्रकार के होते हैं और क्लोनिंग से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको मालूम नहीं होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए। और आज मैं डिस्कस कर रहा हूं बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक क्लोनिंग। तो क्लोनिंग किसे कहते हैं, सबसे पहला प्रश्नवाचक चिन्ह ये है कि क्लोनिंग क्या है। तो आपको पता होगा कि क्लोन अर्थात क्लोनिंग बनाने के लिए या क्लोनिंग की प्रोसेस में हम लोग क्लोन बनाएंगे तो सबसे पहले हमें क्लोनिंग की परिभाषा पता होना चाहिए। ब्लैकबोर्ड में यहाँ पर क्लोनिंग की मैं सरल शब्दों में परिभाषा लिखा हूं। अगर आपके पास नोटबुक्स हैं तो आप कह सकता हूं कि आप अपने कॉपी में इस क्लोनिंग का डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखा हूं, अनुवांशिक रूप से जनकों के समान जीवित इकाइयों के उत्पादन की प्रक्रिया को क्लोनिंग कहते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि क्लोनिंग क्या है तो क्लोनिंग का आंसर आप कैसे देंगे, तो यहाँ पर लिखा है अनुवांशिक रूप से जनकों के समान जीवित इकाइयों की उत्पादन की प्रक्रिया को क्लोनिंग कहते हैं। तो क्लोनिंग का मतलब सेकंड शब्दों में हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी व्यक्ति का या किसी इंसान का एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं तो एग्जैक्ट हुबहू अगर कॉपी बनाते हैं तो उस हुबहू कॉपी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं। तो क्लोनिंग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्ट कॉपी बनाना ही क्लोनिंग है। लेकिन क्लोनिंग की परिभाषा को हम लोग बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे, तो ब्लैक बोर्ड में जो मैं लिखा हूं उसको याद करना होगा कि अनुवांशिक रूप से जनकों के समान जीवित इकाइयों की उत्पादन की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं। तो क्लोनिंग का मतलब समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्ट कॉपी का निर्माण करना ही क्या है, क्लोनिंग है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह ये खड़ा होता है कि क्लोनिंग कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम लोग साइंस पढ़ते हैं, अगर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में आपको पता होना चाहिए कि क्लोनिंग कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखा हूं कि क्लोनिंग जो होते हैं वे निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना होगा सेल क्लोनिंग, सेकेंड हमें डिस्कस करेंगे हम लोग जीन क्लोनिंग पर, तीसरा होती है माइक्रोबियल क्लोनिंग, और चौथा हम लोग बोलते हैं प्लांट क्लोनिंग, और पांचों हम लोग बोलते हैं एनिमल क्लोनिंग। मतलब साफ स्पष्ट है कि क्लोनिंग के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। पहला हम लोग क्या कहते हैं, सेल क्लोनिंग कहते हैं। सेल क्लोनिंग के बाद क्या आएगा, जीन क्लोनिंग आएगा, और जीन क्लोनिंग के बाद आ सकता है माइक्रोबियल क्लोनिंग आएगा, और चौथा क्या आएगा, प्लांट क्लोनिंग आएगा, और पांचवा क्या आएगा, एनिमल क्लोनिंग आएगा। मतलब क्लोनिंग के यहाँ पर निम्नलिखित कितने प्रकार हैं, तो निम्नलिखित 5 प्रकार हैं। अगर हमें क्लोनिंग का पूर्ण रूप से अगर ज्ञान अर्जित करना है तो आपको बता देना चाहूंगा कि क्लोनिंग पढ़ने से पहले कुछ वर्तमान के एग्जाम्पल भी आपको पता होना चाहिए कि क्लोनिंग सिस्टम के तहत क्लोन का निर्माण सबसे पहले वर्तमान में, मैं कह सकता हूँ वर्तमान में इंडिया में सबसे पहले क्लोन कहाँ बनाया गया। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान में सबसे पहला क्लोन बना है हिसार गौरव का। यहाँ पर मैं लिखा हूं क्योंकि अधिकांश नीट और एम्स में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वर्तमान में हिसार गौरव का क्लोन किस एजेंसी ने बनाया है, या वर्तमान में सबसे पहले हाल ही में फिलहाल हम कह सकते हैं कि कौन सा क्लोन बनाया गया है। तो यहां पर लिखा हूं हिसार गौरव। तो हिसार गौरव क्या है, तो हिसार गौरव जो होती है एक प्रकार का क्या है, बफेलो है, भैंस है। इस भैंस का क्लोन कौन सी एजेंसी ने बनाया ये भी याद रखना होगा। तो आपको बता देना चाहूंगा हिसार गौरव क्या है, भैंस की क्या है, एक प्रकार की भैंस ही है, और इस भैंस को क्लोन का नाम क्या है, हिसार गौरव है। और हिसार गौरव को बनाने वाली एजेंसी का नाम मैं लिखा हूँ सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑफ बफेलो। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑफ बफेलो ये एजेंसी है, और ये एजेंसी कहाँ है, तो ये एजेंसी जो होती है वे हिसार के हरियाणा में है। तो हिसार के हरियाणा में हिसार गौरव नामक बफेलो का क्लोन बनाया गया है। तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना होगा कि वर्तमान में हिसार गौरव नामक बफेलो का क्लोन बनाया गया है, और इस क्लोन को बनाने वाली एजेंसी का नाम आपको याद करना होगा। तो मैं नाम लिखा हूँ सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑफ बफेलो। ये कहाँ है,
तो ये संस्था है हिसार के हरियाणा में है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपको याद करना होगा कि कुछ दिन पहले और क्लोन बना गया था, कुछ दिन पहले क्लोन और बनाया गया था। इस क्लोन का नाम है गरिमा से करिश्मा। तो गरिमा से करिश्मा ये भी क्या है, बफेलो है। और गरिमा से करिश्मा नामक बफेलो का क्लोन कब बना, तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ करनाल। ये एक ऐसी एजेंसी है जिसने गरिमा से करिश्मा नामक बफेलो का क्लोन बनाया है। उसके बाद आपको याद करना होगा कि विश्व का पहला भैंस क्लोन, क्योंकि ये भी अधिकांश नीट में और अधिकांश कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व का पहला भैंस क्लोन का नाम लिखिए। तो आपको बता देना चाहूंगा विश्व का पहला भैंस क्लोन का नाम होती है समरूपा। अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए विश्व का सबसे पहला भैंस क्लोन का नाम क्या है, तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ समरूपा लिखा हूँ। उसके बाद अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि विश्व का पहला जंतु क्लोन, तो विश्व का पहला जंतु क्लोन का नाम होता है डॉली भेड़। सबसे पहले डॉली भेड़ का ही या डॉली सिप का ही हम लोग जंतु क्लोन बनाए हैं, और किसने बनाया है तो उसका नाम भी याद रखना होगा। उस साइंटिस्ट का नाम है यान विलमट ने। और कब बनाया है, तो यान विलमट ने 1996 में इस भैंस इस सिप का या कह सकते हैं कि डॉली नामक भेड़ का क्लोन बनाया है। तो इस प्रकार अगर हम क्लोनिंग पढ़ते हैं तो वर्तमान के कुछ एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। तो एक बार और बताना चाहूंगा कि क्लोनिंग किसे कहते हैं, तो एग्जैक्ट कॉपी बनाना ही हुबहुब जनकों के समान, उनके पैरेंट के समान अगर हम हुबहुब कॉपी बनाते हैं तो उस कॉपी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। और उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं। अब क्लोनिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको मैं बता चुका हूँ कि क्लोनिंग के 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहले मैं लिखा हूँ जीन क्लोनिंग लिखा हूँ, उसके बाद मैं लिखा यहाँ पर सेल क्लोनिंग लिखा हूँ, सेल क्लोनिंग के बाद में क्या लिखा हूँ, जीन क्लोनिंग लिखा हूँ, और जीन क्लोनिंग के बाद में क्या लिखा हूँ, माइक्रोबियल क्लोनिंग लिखा हूँ, और माइक्रोबियल क्लोनिंग के बाद में लिखा हूँ प्लांट क्लोनिंग और एनिमल क्लोनिंग। मतलब क्लोनिंग के ये 5 इंपॉर्टेंट प्रकार हैं। उसके बाद आपको वर्तमान में कुछ एग्जाम्पल याद करना होगा कि वर्तमान में सबसे पहले हिसार गौरव नामक क्लोन अभी हाल ही में बनाया गया है। तो हिसार गौरव क्या है, तो हिसार गौरव एक प्रकार का बफेलो है, एक प्रकार का भैंस है, और इस क्लोन को कौन सी एजेंसी ने बनाया है, तो उस एजेंसी का नाम आपको पता होना चाहिए कि इस भैंस के क्लोन को सबसे पहले सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑफ बफेलो, ये क्या एजेंसी का नाम है, और ये एजेंसी कहाँ है, ये संस्था कहाँ है, तो ये संस्था हिसार के हरियाणा में है। इसलिए हिसार में बनाया गया इस क्लोन को हम लोग क्या कहते हैं, हिसार गौरव, मतलब हिसार का ही हम लोग क्या कहेंगे, गौरव कहेंगे। उसके बाद आपको याद करना होगा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर करनाल ने गरिमा से करिश्मा नामक बफेलो को पैदा किया है। तो ये भी क्या है, तो ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये भी क्या है, बफेलो का क्या है, क्लोन है। उसके बाद आपको याद करना होगा अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए विश्व का सबसे पहला भैंस क्लोन का नाम लिखिए, तो विश्व का सबसे पहला भैंस क्लोन का नाम आपको लिखना है समरूपा। समरूपा ही विश्व का सबसे पहला भैंस क्लोन है। उसके बाद अगर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहला जंतु क्लोन क्या है या सबसे पहले जंतु क्लोन का नाम बताइए, तो सबसे पहले जंतु क्लोन का नाम आपको लिखना होगा डॉली सीप या डॉली भेड़। और डॉली भेड़ को किसने बनाया, तो डॉली भेड़ को बनाया है यान विलमट नामक साइंटिस्ट ने। और कब बनाया, तो उस सन को याद करना है 1996 में। तो इस प्रकार ये क्लोनिंग सिस्टम आपको पहले से पता होना चाहिए। अब प्रश्नवाचक चिन्ह ये है कि हम 5 क्लोनिंग पढ़े हैं, तो सबसे पहले मैं किसी एक क्लोनिंग के बारे में आपको बताना चाहूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ माइक्रोबियल क्लोनिंग। तो माइक्रोबियल क्लोनिंग का मतलब आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोबियल क्लोनिंग क्या है, क्योंकि हम लोग सेल क्लोनिंग पढ़ सकते हैं, जीन क्लोनिंग पढ़ सकते हैं, माइक्रोबियल क्लोनिंग भी पढ़ने वाले हैं, और प्लांट और एनिमल क्लोनिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर स्टार्टिंग किया जाए तो सेल क्लोनिंग के अंतर्गत हम लोग प्लांट क्लोनिंग, प्लांट का क्लोन कैसे बनाएंगे, तो मैं कुछ एग्जाम्पल देकर आपको बताना चाहूंगा कि क्लोन बनाने के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले अगर हमें किसी पौधे का अगर क्लोन बनाना है, तो सबसे पहले आप तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एक प्रकार का प्लांट लेंगे। प्लांट का हमें क्या लेना हो, लीफ लेना होगा। ये भी प्लांट का क्या है, लीफ है। अगर हमें किसी भी प्लांट के एक सेल से अगर हमें हजारों प्लांट बनाना है, तो हम हजारों प्लांट बनाएंगे तो कैसे क्लोनिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको यह पता होगा कि प्लांट को भी पौधा लेते हैं, और उस पौधा का सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, पत्ती लेंगे।
और इस पत्ती को सबसे पहले हमें क्या करना होगा, स्टेलाइज्ड करना होगा, हिंदी में बोलते हैं निर्जमीकृत अर्थात जीवाणु विहीन करेंगे। सबसे पहले अगर पौधों की एक कोशिका से अगर हमें कई सैकड़ों या हजारों हमें प्लांट पैदा करना है तो किसी भी पौधों की पत्ती को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जीवाणु विहीन करेंगे। और जीवाणु विहीन करने के बाद, जीवाणु विहीन करने के बाद क्या करेंगे, इस पत्ती में उपस्थित किन्हीं एक सेल को हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। इस कोशिका को हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं, सेल क्लोनिंग। सेल क्लोनिंग कैसे करते हैं, ये सिंपल आपको, आप पढ़ चुके होंगे बायोलॉजी के अध्याय एक में हम लोग पढ़ चुके हैं माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक। आपको पता होगा कि माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक क्या, हिंदी बोलते हैं सूक्ष्म प्रसारण तकनीक। तो सूक्ष्म प्रसारण तकनीक के कुछ मैं बिंदु आज मैं आपको इस क्लोनिंग वाला सिस्टम में समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें क्या चाहिए, अगर बहुत सारे पौधा चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले किसी प्लांट को हम लोग, किसी भी प्लांट का हम लोग सिलेक्शन करेंगे, चुनाव करेंगे। उस प्लांट को सिलेक्शन करने के बाद उसके पत्ती में सबसे पहले क्या करेंगे, तो उसकी पत्ती को हम लोग क्या करेंगे, स्टेलाइज करेंगे, निर्जमीकृत करेंगे, जीवाणु विहीन करेंगे। और जीवाणु विहीन करने के बाद इसमें उपस्थित किसी एक सेल को हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। उसके बाद एक कोशिका को जब हम लोग बाहर निकालते हैं, इस कोशिका को बाहर निकालने के बाद हमें कहाँ रखना होगा, कल्चर मीडियम रखना होगा। इस कोशिका को जब हम लोग कहाँ रखते हैं, कल्चर मीडियम में जब रखते हैं, तो कल्चर मीडिया का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। कल्चर मीडिया का मतलब होती है कोशिका के विकास के लिए जितने भी आवश्यक तत्व तो मौजूद होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कल्चर मीडिया कहते हैं। तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक से हम लोग नवनिर्मित पौधा कैसे बनाएंगे, क्योंकि हम सेल क्लोनिंग के माध्यम से ये समझ रहे हैं कि सबसे पहले क्या करना है, किसी भी पौधों की पत्ती को हमें लेना है और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पौधों की पत्ती को हम लोग क्या करेंगे, निर्जमीकृत करेंगे, या हिंदी में शुद्ध हिंदी कह सकता हूँ, जीवाणु विहीन करेंगे। और जीवाणु विहीन करने के बाद इस पत्ती में उपस्थित किन्हीं एक सेल को हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। और एक सेल को निकाल के हम लोग कहाँ रखेंगे, कल्चर मीडिया में रखेंगे। आपको पता होगा कि कल्चर मीडिया किसे कहते हैं, तो कल्चर मीडिया में पौधों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अगर कभी कभार अगर कंपिटिशन एग्जाम में पूछा जाए पौधों के विकास के लिए वो कौन कौन से आवश्यक पोषक तत्व है, तो आपको डायरेक्टली सटीक याद करना होगा कि कोन्हा पी, डायरेक्टली आपको बताना होगा कि अब कोन्हा पी का मतलब क्या होगा। तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ कोन्हा पी, लिखा हूँ तो सी पहला अक्षर है सी, तो सी का मतलब होगा कार्बन, ओ का मतलब ऑक्सीजन, एन का मतलब नाइट्रोजन, एच का मतलब हाइड्रोजन और पी का मतलब फास्फोरस। ये ट्रिक आप कभी नहीं बोलेंगे अगर डायरेक्टली अगर आपको रहता याद है कौन है पी, तो ये क्या है, ये पांच ऐसे आवश्यक पोषक तत्व हैं जो पौधों के विकास के लिए क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरा समझाने का मतलब वही है कि कल्चर मीडिया में पौधों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व क्या है, मौजूद है। तो हमने क्या किया है, पत्ती में उपस्थित किसी एक सेल को हम लोग कहाँ रख दिए हैं, कल्चर मीडियम रख दिए हैं। अब कल्चर मीडियम में जब रख दिए हैं तो कल्चर मीडियम में रखने के बाद क्या होगा, तो कल्चर मीडियम में उपस्थित ये आवश्यक पोषक तत्वों से क्या होगा, इस एक सेल का क्या होगा, विकास होगा और बहुत सारे कोशिकाओं का क्या बनेगा, गुच्छा बनेगा। इस बहुत सारे कोशिकाओं के गुच्छे को हम लोग बोलते हैं कैलस, या इस प्रोसेस को हम लोग कह सकते हैं कैलस फॉर्मेशन। कई बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि कैलस क्या है, तो डायरेक्टली आप लोग कह सकते हो कि कल्चर मीडिया में उपस्थित कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। तो कोशिका का बहुत बड़ा गुच्छा बनेगा तो उस गुच्छे को हम लोग क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, कल्चर मीडिया में हमें प्लांट हार्मोन्स का इस्तेमाल करना होगा। आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं कि प्लांट हार्मोन्स कितने प्रकार होते हैं। आपको पता होगा कि प्लांट हार्मोन्स के इंपॉर्टेंट पांच प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और हम लोग पढ़ रहे हैं एथिलीन पढ़ चुके हैं और एब्सिसिक एसिड पढ़ चुके हैं। आपको पता होगा कि हैबर लेंडेट नामक साइंटिस्ट ने एक नया इस टेकल से नवनिर्मित प्लांट बनाने का क्या किया, प्रयास किया, लेकिन हैबर लेंडेट का ये प्रयास क्या हो गया था, असफल हो गया था। और हैबर लेंडेट का प्रयास असफल क्यों हुआ था, क्योंकि उस समय प्लांट हार्मोन्स की खोज नहीं हुई थी। लेकिन कुछ लगभग 48 वर्षों के बाद प्लांट हार्मोन्स जब ढूंढा गया तो एफसी स्टीवर्ड ने इस सिस्टम से नवनिर्मित प्लांट बनाकर दुनिया वालों को दिखा दिया। आपको पता होना चाहिए इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक कहते हैं। तो मैं आपको बता रहा था जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर कोशिकाओं का बहुत बड़ा गुच्छा बनेगा उस गुच्छे को हम लोग क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। तो इस कल्चर मीडिया में हमें प्लांट हार्मोन्स का इस्तेमाल करना होगा।
सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, ऑक्सिन और साइटोकाइन हार्मोन्स इस कल्चर मीडिया में रखेंगे। तो जैसे हम लोग ऑक्सिन और साइटोकाइन हार्मोन्स को जब रखते हैं तो फिर क्या होगा, फिर कोशिका का क्या होगा, विकास होगा। लेकिन जब कोशिका का विकास होगा तो यहाँ पर ऑक्सिन हार्मोन्स के लेवल को हमें क्या करना होगा, हाई करना होगा। लेकिन हम साइटोकाइन हार्मोन्स के लेवल को जो कर क्यों रखते हैं, तो जैसे हम लोग ऑक्सिन हार्मोन्स के लेवल को जब हाई करते हैं तो ऑक्सिन हार्मोन्स के लेवल को हाई करने के कारण से सबसे पहले क्या होगा, पौधों में जड़ का निर्माण होगा। अब पौधों में जड़ का जब निर्माण होगा तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रूट फॉर्मेशन कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सिन हार्मोन्स के कारण से पौधों में क्या भर रहा है, जड़ भर रहा है। जब हम ऑक्सिन हार्मोन्स के लेवल को जब कल्चर मीडिया में हाई करते हैं तब यहाँ पर क्या भर रहा है, जड़ भर रहा है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रूट फॉर्मेशन कहते हैं। अब कुछ समय के बाद क्या करना होगा, जब इसमें जड़ का निर्माण हो चुका है तो कुछ समय के बाद हमें क्या करना होगा कि कल्चर मीडिया में हम ऑक्सिन हार्मोन्स के लेवल को जो कर क्यों रखेंगे, लेकिन साइटोकाइनिन नामक हार्मोन्स के लेवल को हमें क्या कर देना होगा, बढ़ा देना होगा। तो जब साइटोकाइनिन नामक हार्मोन्स के लेवल पर जब हम लोग बढ़ा देते हैं तो पौधों में तनों का निर्माण होता है, और पौधों में जब तनों का निर्माण होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, शूट फॉर्मेशन कहते हैं। इस प्रकार देख चुके हैं हम लोग कि कल्चर मीडिया में ही हम लोग पूर्ण रूप से निर्मित पौधा हम लोग क्या कर चुके हैं, बना चुके हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सेल क्लोनिंग या कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक या टोटिपोटेंसी या शुद्ध हिंदी में सूक्ष्म प्रसारण तकनीक क्या है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डायरेक्टली आप लोग शुरू से लिख सकते हो कि सूक्ष्म प्रसारण तकनीक मतलब पौधों की कायिक कोशिका से ही नवनिर्मित पौधा बनाना ही, इसको बोलते हैं सूक्ष्म प्रसारण तकनीक कहते हैं, या इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, टोटिपोटेंसी कहते हैं। कई बार पूछा जाता है कि टोटिपोटेंसी टेक्निक से सबसे पहला प्लांट पैदा करने का या सबसे पहला पौधा बनाने का प्रयास किसने किया था, तो आपको बता देना चाहूंगा कि सबसे पहला इस तकनीक से हैबर लैंडेड नामक साइंटिस्ट ने एक न्यू प्लांट बनाने का प्रयास किया। लेकिन प्रश्न महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि हैबर लैंडेड जो होती है वे असफल क्यों हुआ, तो आपको बता देना चाहूंगा कि हैबर लैंडेड असफल इसलिए हुआ क्योंकि उस समय प्लांट हार्मोन्स की खोज नहीं हुई थी। लेकिन जब प्लांट हार्मोन्स का खोज हो गया तो ये प्रयास किया था एफसी स्टीवर्ड ने, और एफसी स्टीवर्ड ने कैसे प्रयास किया, तो सबसे पहले एक बार और बताना चाहूंगा कि हमें क्या लेना होगा, किसी भी पौधों की हमें कायिक कोशिका अगर निकालना है तो सबसे पहले जिस पौधा का हमें क्लोन बनाना है उस पौधे के हम लोग क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। अब उस पौधा का अगर हम लोग चुनाव कर लिए हैं तो चुनाव करने के बाद अगर हमें सिंपल उसकी पत्तियों से अगर नया नवनिर्मित पौधा बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसके पत्तियों को हम लोग क्या करेंगे, जीवाणु विहीन करेंगे। जब पत्तियों को हम लोग जीवाणु विहीन करेंगे तो जीवाणु विहीन करने के बाद इनमें उपस्थित किसी एक कोशिका को हम लोग वहां से बाहर निकालेंगे, और एक कोशिका को जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो इस कोशिका को हमें कहां रखना होगा, कल्चर मीडिया में रखना होगा। और कल्चर मीडिया का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, कल्चर मीडिया में क्या होती है, पौधों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व क्या होती है, मौजूद होती है। अब जानना यह जरूरी है कि पौधों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो यहां पर मैं लिखूं कोन्हापिन, सी का मतलब कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और फास्फोरस, ये पांच जो इंपॉर्टेंट हैं वो पौधों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं। उसके बाद आपको ये बताना होगा इनमें उपस्थित हम क्या लेंगे, तो सबसे पहले क्या लेंगे, जब हम कुछ समय के बाद इस कोशिका को यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर कोशिका का क्या बनेगा, गुच्छा बनेगा। इस कोशिका के गुच्छे को हम लोग क्या कहते हैं, कैलस फॉर्मेशन कहते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होगा, इस कल्चर मीडिया में ही हमें ऑक्सिन और साइटोकाइनिन हार्मोन्स का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले जब हम लोग ऑक्सिन हार्मोन्स के लेवल को बढ़ाते हैं लेकिन साइटोकाइनिन हार्मोन्स के लेवल को जब जो कर क्यों रखते हैं, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले इनमें क्या बनेगा, जड़ का निर्माण होगा। इस प्रोसेस को अंग्रेजी में बोलते हैं रूट फॉर्मेशन कहते हैं। उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद फिर कल्चर मीडिया में ही ऑक्सिन हार्मोन्स के लेवल को हमें जो कर क्यों रखना है, लेकिन किसके, लेकिन हमें साइटोकाइनिन हार्मोन्स के लेवल को बढ़ा देना है। जब हम लोग साइटोकाइनिन हार्मोन्स के लेवल को जब बढ़ा देते हैं तो देखते हैं कि साइटोकाइनिन हार्मोन्स के प्रभाव से पौधों में क्या बनती है, तो इनमें क्या बनेगा, सूट अर्थात तने का निर्माण होगा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं शूट फॉर्मेशन कहते हैं। तो कुछ समय के बाद देखते हैं कि कल्चर मीडिया में ही मात्र पौधों की एक कोशिका से नवनिर्मित पौधा बन गया। तो इसको हम लोग कह सकते हैं सेल क्लोनिंग, या न्यू मैं कह सकता हूं, एक सिंपल सेल से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नया पौधा बना दिए हैं। इस प्रकार देखते हैं कि इस टेक्निक के माध्यम से हम लोग इसका खासकर इस्तेमाल करते हैं बागवानी के लिए। अगर हमें बागवानी के लिए अगर हमें लाखों प्लांट चाहिए तो लाखों प्लांट हम लोग कहां से लाएंगे,
तो आज बायोटेक्नोलॉजी के दम पर हम कह सकते हैं कि लाखों प्लांट हम लोग जो है एक साल में कम से कम हम लोग लाखों प्लांट आसानी से इस तकनीक से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहां पर अगर किसी को डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके सूचित कर सकते हैं, क्योंकि सेल क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग, माइक्रोबियल क्लोनिंग और मैं कह सकता हूं कि प्लांट और एनिमल क्लोनिंग, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर अगर आप मन लगाते हैं तो कहीं भी अगर आपको डाउट रहेगा तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं कह सकता हूं, अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप अपने मित्रों में शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही हमारा कॉन्फिडेंस हाई होगा और जब तक हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, जब तक हमारा आत्मविश्वास मजबूत नहीं होगा, तब मैं कह सकता हूं तब तक हम आपके लिए न्यू वीडियो YouTube में अपलोड नहीं कर सकेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को आप क्या कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।